अभी भी बड़े सीनियर वोकला जो हैं उनको अपना मोबाइल हैंडल करना नहीं आता। ऐसे सेंटर्स को रेकग्नाइज करें जो उन लोगों की हेल्प कर दें कि आपने ई फाइलिंग करनी कैसे करनी। फाइलिंग में और ईमेलिंग में बड़ा फर्क है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। ईमेल तो बहुत अनसेफ सी बात है, ईमेलिंग को आप ई फाइलिंग प्लीज मत कहिए। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, पोर्टल है, उसको मुझे फिलअप करना पड़ेगा, उसके फॉर्म्स हैं और हर कोई इसमें एंटर नहीं हो सकता और वो सेव करना पड़ेगा। सर 50 करोड़ रुपया हमने जाया कर दिया व्हील री इन्वेंट करते हुए, यही सॉफ्टवेयर यही प्रोसीजर टेक्निक्स हम बाहर से ला सकते हैं। अमेरिका में इंग्लैंड के अंदर जितना काम हो रहा है, अल्लाह ताला ने इस एरिया के लोगों को सॉफ्टवेयर में और प्रोग्रामिंग में जो सलाहियत दी है वो किसी अमेरिकन्स के यूरोपियंस के पास नहीं है। कोरोना वायरस और क्वारंटीन में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो कोर्ट्स का ऑपरेशनल पार्ट था। उसका हल ये निकला कि ई फाइलिंग का और वर्चुअल कोर्ट्स जो है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। पूरी दुनिया में ये फिनोमिनन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट इसको प्रैक्टिस कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको प्रैक्टिस कर रहे, तो हमारे हाई कोर्ट्स में इसको क्यों नहीं किया जा सकता। इसी पैटर्न पे लाहौर हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग और वर्चुअल कोर्ट का फिनोमिनन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको आइडियल तो बहुत है, रिलीफ भी बहुत जबरदस्त मिलेगा, बट इज इट डूएबल? क्या हमारी इन्वायरमेंट इतनी कंड्यूसिव है? क्या हमारे पास जो टेक सेवी लोग हैं वो मौजूद हैं? क्या हमारे जजेस की उसकी ट्रेनिंग है, वकला की ट्रेनिंग है? क्या कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला हम रख पाएंगे? लूप्स कहां है? ये बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं जिनको डिस्कस करने हैं, और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मैन विद इनोवेशन, जिनके हमेशा इस तरह के डिफरेंट आइडियाज के साथ वो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, जफर कलानौरी साहब मौजूद है। जफर भाई थैंक यू वेरी मच, ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, सुप्रीम कोर्ट इज सक्सेसफुली डूइंग इट। लाहौर हाई कोर्ट का एक पुराना एक्सपीरियंस जो है वो कोलैप्स हुआ, हमें बड़ा डिजास्टर उसमें देखना पड़ा, हमने बड़े उसमें वादे किए, देवर स्लोगन्स दोज वर रेज्ड एक्चुअली, बट वी कुड नॉट कैरी आउट दैट। डर ये है कि अभी भी वो ना हो। आर यू होपफुल दिस टाइम? बहुत शुक्रिया जी। आज से कोई 3 वीक पहले मैंने एक स्ट्रेटेजिकल पेपर लिखा था, उसके अंदर मैंने सारा रिसर्च करने के बाद और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी जो है इसके अंदर मैंने दी थी, जिससे ये सारी की सारी डिस्कशन इस वक्त हमारे मुल्क में ट्रिगर अप हुई है। हुआ उसमें ये, मैंने ये बताया कि कोई शक वाली बात नहीं है कि पूरी दुनिया में अब डिस्टेंसिंग जो है ये रखनी पड़ेगी, और वर्चुअल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट और ऑनलाइन हेयरिंग का कॉन्सेप्ट, वीडियो लिंक के जरिए काम करने का कॉन्सेप्ट दुनिया में कोई नया नहीं है। आर्बिट्रेशन के जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके अंदर ये परमिटेड है कि आप इवन एविडेंस भी जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड कर सकते हो। इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ें ट्राई हो रही है, और इन हालात में उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इशू किए। अमेरिका के अंदर 42 स्टेट्स के अंदर यह तजर्बा हो रहा है। इसको इनोवेट करने वाले सिंगापुरियंस हैं जिन्होंने 1990 में किया था, उनका हर स्टेज पर, लेकिन उनको इतने साल लगे हैं, 30 साल। अच्छा, अब मैंने ये जो, लेकिन हमें व्हील रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है ना। हम यहाँ पे सर 50 करोड़ रुपया हमने जाया कर दिया व्हील रीइन्वेंट करते हुए, यही सॉफ्टवेयर यही प्रोसीजर टेक्निक्स हम बाहर से ला सकते हैं और हमारे अपने लोग भी बड़े सस्ता इसको बना सकते हैं जी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक कोरोना वायरस के अंदर जहां बहुत सारी दूसरी बातें हुई हैं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कई और हिसाब से है। मेरे ख्याल से इस मुल्क में जब भी कोई काम होने लगता है तो बाहर से एक एनजीओ आती हैं और वो फंडिंग बेसिकली ले जाते हैं और यहाँ के कुछ लोगों को साथ में लाते हैं। बच्चे बच्चे वो होते हैं, इंडिजिनाइज चीज़ों को करते नहीं, और वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर एक नई एनजीओ आ जाती है और वो सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। हम तो इतने अरसे से 27 बरस से इस साइड पर काम करते हैं, रिफॉर्म पे यही देखते हैं। अच्छा, अब वो आ नहीं पाएंगे, कंस्ट्रेंट्स लगे। मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका में इंग्लैंड के अंदर जितना काम हो रहा है, अल्लाह ताला ने इस एरिया के लोगों को सॉफ्टवेयर में और प्रोग्रामिंग में जो सलाहियत दी है वो किसी अमेरिकन्स के यूरोपियंस के पास नहीं है, किसी चाइना के लोगों के पास नहीं है। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन सबसे स्मार्ट लोग हैं, ब्रिलियंट। मैं इवन पाकिस्तान की आप बात करें, मैं हैरान होता हूँ कि हमारा जो नेट सोल है ये आप एट टाइम बंदा परेशान होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं, और जो आईटी के लोग हैं दे आर ब्रिलियंट एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। व्हाई कांट दे डू इट फॉर पाकिस्तान? एब्सोल्युटली राइट। देखिए यहाँ पे
मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहाँ पे लीगल ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहाँ पे कॉल सेंटर्स जो है उनका कॉन्सेप्ट मौजूद है, यहाँ पे हम अकाउंटिंग के काम यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन जो है वो कर रहे हैं। ठीक, अमेरिका वगैरह में तो इवन ऑपरेशंस अब ऑनलाइन होते हैं, सर्जन जो है घर से बैठ के सुपरवाइज कर रहा है। तो सो फॉर सो आज का कोरोना में बेशुमार लोग जो है मनी हाइस्ट देख रहे हैं, उसमें भी उन्होंने बैक एंड पे सेंटर जो है पाकिस्तान के ही दिखा दिए कि पाकिस्तान आईटी के लोग जो हैं उनको वहां पे दे आर हेल्पिंग, वो जो प्रोफेसर है उसको। सर इतना ज्यादा पाकिस्तान की आईटी का चर्चा है कि इवन फिल्मों में भी जब उन्हें आईटी के बेहतरीन लोग ढूंढने होते हैं तो वो पाकिस्तान से ढूंढते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरा ये सोचने की बात है कि हाईकोर्ट के अंदर हमारे पास 27 लोग हमने भर्ती किए हुए हैं आईटी के स्पेशलिस्ट जो क्वालिफाइड हैं, उन्होंने मास्टर्स की हुई है, उनमें से 7 बंदे PhD किए हुए हैं और उनको हम करोड़ों रुपए दे रहे हैं, उनकी मौजूदगी में हम बाहर से सिस्टम लाते हैं। और वो जो आपने जिक्र किया उसके आफ्टर शॉक्स तो अभी तक हम सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉज लिस्ट लाने के लिए और मुझे मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट मैसेज लाने के लिए एक सिस्टम था जो अच्छा भला चल रहा था, जो कि बड़ा आसान है, और अब हम खुद बना रहे हैं इस सर अपने लोगों को इन्वॉल्व करें एक बात। लेकिन मैं वापस आता हूँ, मैंने जो प्लान दिया उसमें मैं नंबर वन ये बात कहता हूँ कि आप इसको एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास रूल्स ही नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट लेवल पे रूल्स बनाने पड़ेंगे। मौजूदा जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं वो केटर नहीं करते ई फाइलिंग को या ऑनलाइन हेयरिंग्स को, ये केटर बिल्कुल नहीं करते। एक आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा और पोर्टल बनाना पड़ेगा, और मेरे ये सजेशन है कि आपको स्मार्ट कार्ड मिले, आप उसके अंदर एंटर हो सके, बिल्कुल जैसे मुझे CC नंबर मिलता है हाई कोर्ट से। ठीक, ठीक। और एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बी अलाउड इनटू अ जुडिशियल सिस्टम, जब मैं उसके अंदर चला जाऊंगा फिर उसके बाद मेरी ई फॉर्म के अंदर पहले प्लेडिंग है, फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट पे अपलोड करना है। वो करने के बाद डिफेंडेंट की सर्विस, अभी एक और बात बताऊं, CPC की एक अमेंडमेंट इस वीक में आई है, उसके साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी आला अमेंडमेंट की है कि आप सर्विस के लिए जदीद गैजेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए से जो सर्विंग एजेंसी का बंदा है वो जाके आपकी तस्वीर उतारेगा कि सर्विस करवाई है, और GPRS से आप देख सकेंगे यहीं बैठ के, तो तामील नहीं करा रहा। और ये भी मंजूर हुआ है कि कोर्ट का सारा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा, हमारी जजमेंट्स जो है वो डेली जजेस जो है वो दे रहे हैं। 1996 में पहला कंप्यूटर जो है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया था। अब ये नई नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि अगर आपने ये सॉफ्टवेयर, जो पुराने लॉयर्स हैं उनकी तो ट्रेनिंग ही नहीं है, जजेस की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की नहीं है। तो जफर भाई मुझे ये बताएं, मैं अब इसमें जो हिकअप्स हैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि रुकावट कहाँ पे आएगी। हमारे जो जजेस सीनियर जजेस हैं और जो पुराने वोकला हैं, अभी भी बड़े सीनियर वोकला जो हैं उनको अपना मोबाइल हैंडल करना नहीं आता, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एक्चुअली, मोबाइल में अपना नंबर सेव करना हो तो किसी जूनियर को कहते हैं कि कैन यू डू इट, वो लोग सबसे बड़ी रुकावट होंगे इस सिस्टम को टैक्स हैवी करने के लिए। डू यू थिंक कि हम उनका ऑनस्लॉट बर्दाश्त कर सकेंगे इसकी? जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आप फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाइए, यहाँ पे पैरालीगल्स का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आप चीज़ों को सोर्स आउट करते हैं, ऐसे सेंटर्स को रिकॉग्नाइज करें जो उन लोगों की हेल्प कर दें कि आपने ई फाइलिंग करनी कैसे करनी। अच्छा, फिर इसमें एक और पहलू है, आपने कोर्ट फी भी पे करना है, आपने कोर्ट चार्जेस भी पे करने हैं, वो भी ऑनलाइन पे करेंगे, ये सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं है। अभी जो हेयरिंग इन्होंने शुरू किया एज ए मॉडल कोर्ट, मैंने देखा है वो कर रहे हैं, मैं उसके साथ एसोसिएटेड भी हूँ, इनके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन सर जी हेयरिंग करना इज़ नॉट अ बिग डील, उसमें भी खराबी है। अभी तो 10 केसेज एक जज साहब सुनते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रोजाना 800 से 900 फ्रेश इंस्टीट्यूशंस हैं, आप वो सारे के सारे फाइलों को किस तरह से स्कैन करेंगे, पुरानी फाइलों को कैसे स्कैन करेंगे। अभी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो तजर्बा किया प्रिंसिपल सीट में कि वो रजिस्ट्रियों पे सुन रहे हैं, एक बात तो ये है कि लाहौर रजिस्ट्रियों पे जहाँ पे उन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है वो नादरा की हेल्प से वो बड़ा कंट्रोल्ड निज़ाम है, लेकिन असल फाइलिंग पेपर वो उसी तरह ही हो रही है, और सिर्फ हेयरिंग होती है आइडेंटिफाई करने के बाद। लाहौर हाई कोर्ट में घर से एक बंदा जो है वो आपकी हेयरिंग कर रहा है और वो अपने गैजेट पे उसको रिकॉर्ड कर ले और कल वो मीडिया के अंदर प्ले कर ले, तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, जजेस की ऑब्जर्वेशन से राय का पहाड़ बन जाता है। इशु तो हमारा कोर्ट सिस्टम लाइव तो नहीं है। फिर ये कि साइबर अटैक अगर हो जाए तो वल्नरेबल जो साइबर अटैक अगर ये सिस्टम है तो आपकी सारी कीमती इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं की कहीं चली जाए, तो कोर्ट सिस्टम में तो सब लोग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट्स के देने पड़ेंगे कि ये कोर्ट की फाइल का हिस्सा है, ये सारा सिस्टम डिवाइस करना है। मेरा ख्याल है सफ भाई जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट नहीं करेंगे सिस्टम जो है पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी भी है और इनसिक्योरिटी भी है। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके रिस्क बहुत बड़े होते हैं
वो भी आज सारे के सारे 100% जो है वो कंप्यूटर पे अवेलेबल है, उन्होंने डिजिटलाइज अपने आप को किया है, दुनिया के कोर्स मौजूद हैं, सिस्टम को सिक्योर किया जा सकता है और सिस्टम को कभी भी तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन हम इस बेस पे या अजम्पशन पे कि सिस्टम जो है उसमें लोग इन्वेड करेंगे, हम उसमें ना जाएं, डू यू थिंक हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें जाना चाहिए इसके लिए? सर मैं तो 100% इसकी फेवर में हूँ, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम उसको सेव कर सकते हैं, कोई अटैक कर ही नहीं सकता, ये सेव किया जा सकता है, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे बंदे मैं जानता हूँ जो कर देंगे ये। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो अटैक हो गया था हमारी, वहाँ की वेबसाइट जो है उन्होंने अटैक करके रिट्रीव किया, वो रिट्रीव किया, वो हमने अब सेव कर लिए, वो पॉसिबल है। डूएबल क्या है और जो डूएबल नहीं है वो क्या है, ये दोनों बताएं हमें जी। मैं पहली बात तो कहता हूँ कि इसको बाय वे ऑफ पायलट्स लेके आए, तो क्रॉस बोर्ड ना लाएं। मैंने ये सजेस्ट किया कि लाहौर के डिस्ट्रिक्ट से हम शुरू कर लेते हैं, जहाँ तक ट्रायल्स का वर्चुअल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे मर्डर ट्रायल्स करते रहे। अब आपको जेल के अंदर जो बंदा है वो आइडेंटिफाइड है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब लोगों की हाजिरी लगती है, एक हाई प्रोफाइल आदमी को आप केस में लेकर आते हैं जी, नैब का केस है, सारा शहर चौक हो जाता है, क्यों उसका रिमांड ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता, क्यों आप उसके ऊपर चार्ज फ्रेम ऑनलाइन नहीं कर सकते, क्यों उसकी एविडेंस ऑनलाइन नहीं कर सकते? तो आप वहाँ पे ट्राई करें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहाँ पे हमारी वर्चुअल कोर्ट बनी हुई है जी, सेशंस कोर्ट में हम गार्डियन के केसेस के अंदर बच्चों की मुलाकात करा रहे हैं, वो कोर्ट वहाँ पे बनी हुई है। ये वुमन हैरेसमेंट के जो केसेस हैं, वो खवातीन नहीं आना चाहती तो वो हम वहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग जो है थ्रू वीडियो लिंक कर रहे हैं, ये ऑलरेडी है। फिर हम तजर्बा करेंगे, सीखेंगे, बाकी तरफ ले जाएंगे। अब कुछ लोग हैं बड़े कंप्यूटर लिटरेट हैं, मसलन जो कॉर्पोरेट साइड पर बच्चे काम कर रहे हैं, जो नए लॉयर्स आ रहे हैं, वो तो 100% इस पर ट्रेंड है। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे नए जजेज हैं, मैं जुडिशियल एकेडमी में अरसा दराज से पढ़ाने जाता हूँ, ये बड़े कंप्यूटर लिटरेट हैं, हमारी हर कोर्ट के अंदर कंप्यूटर मौजूद है। देखिए, कोई झगड़ा होता है तो रिकॉर्डिंग हुई होती है ना कि आ जाती है, तो वही कैमरा और वही वाला एक चीज़ तो हर जगह मौजूद है, हमने इसके ऊपर ट्रेंड करना। लेकिन जो आपने बात की स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स इसमें कौन है? आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टेक होल्डर हैं, जेल अथॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है। देखिए, और कुछ नहीं, आपको एक फास्ट इंटरनेट दे दें, वो तो गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी जॉब ही नहीं है। कहीं पर लेजिस्लेशन शायद असेंबली में भी करनी पड़े, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी साथ लेकर चलना है, उनको भी बिठाएं। आप मीडिया के लोगों को, स्पेशली जो कोर्ट वगैरह कवर करते हैं, उनके अंदर भी ये डिस्कशन ओपन करें, और लिटिगेंट्स हु आर सफरिंग द पैंग्स ऑफ द सिस्टम, उनकी भी बात सुने। आफ्टरऑल, अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं है, ये जो पुराने लॉयर्स हैं उनके साथ अगर आप ले ये कॉन्सेप्ट लाएंगे कि यंग लॉयर है वो उनकी मदद करेगा, कुछ साल पहले हम टाइपराइटर पे टाइप कराते थे, अब आप देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए तो कंप्यूटर हर जगह यूज हो ही रहा है। हम ये केस लॉ जो है हर वक्त यूज करते हैं लॉ साइट्स को, तो ये तो हम इससे एक्वेंटेड हो गए। मोबाइल फोन हर वक्त हमें मैसेजेस आते हैं कि आज आपका केस लगा हुआ है, इससे भी हम एक्वेंटेड है। जैसे जजमेंट अनाउंस होती है शाम को, वो भी आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको हेयरिंग्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी, लेकिन ये बात है कि बहुत जल्द आपको बाकी कोर्ट्स में भी ले जाना पड़ेगा। और ये जो आप ये काम कर रहे हैं कि ई फाइलिंग में और ई मेलिंग में बड़ा फर्क है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, ई मेल तो बहुत अनसेफ सी बात है, ई मेलिंग को आप ई फाइलिंग प्लीज मत कहिए। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, पोर्टल है, उसको मुझे फिलअप करना पड़ेगा, उसके फॉर्म्स हैं, और हर कोई उसमें एंटर नहीं हो सकता, और वो सेव करना पड़ेगा, फिर एविडेंस के अंदर तो बड़े मसले आएंगे। ठीक, वो गवाह कहाँ गवाही दे रहा है? ठीक है, हुसैन हक्कानी साहब के मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफी देर पहले एविडेंस रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर जाके की थी, वो सेफ एनवायरनमेंट है। आप घर में जो किसी की अगर एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसने सामने से वो ट्यूटर हो रहा है, पावर पॉइंट लगाया, हेल्प ले रहा है, तो जज जो है वो हेल्पलेस हो जाए, तो उनका कंट्रोल उसके ऊपर करने के लिए ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली होंगी। हर चीज हम वर्चुअल शायद ना कर सके, हमें कुछ जगहों पे शायद लोगों को बुलाना भी पड़े कोर्ट्स में, या स्पेसिफाइड सेंटर्स में उनको बुलाना पड़े। बहुत आप ठीक बात कर रहे हैं सर, कि एक तो मसला ये है कि वो किस एनवायरनमेंट में गवाही दे रहा है, मुझे ये देखना। अभी ये जो बच्चे जो हैं ए लेवल्स वगैरह के एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे हैं, मैंने देखा कि उन्होंने ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जिसके चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो जज साहब उसको डिस्कार्ड भी तो कर सकते हैं एविडेंस को। फिर मेरी ये चॉइस है, मैं अगर लॉयर हूँ शायद मैं एक्सपर्ट विटनेस को ऑनलाइन कर लूँ जरा, लेकिन मैं दूसरे विटनेस को नहीं करना चाहता, मेरा ये आर्ट है, मैं उसको फिजिकली चाहता हूं, नॉट एन एवरी केस, ये आप कर नहीं सकते। और दूसरा ये कि आप ट्राई करें और वक्त के साथ साथ उसको फैलाते जाएं, इन क्लास ऑफ केसेस और पायलट्स के जरिए से ये चीज चलेगी तो चलेगी, वरना फिर हम सिस्टम को अच्छे की बजाय बुरे की तरफ ना ले जाएं। और वाई फॉर फ्यू, सब लोगों के लिए नहीं है। अगर एक फैसिलिटीज है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस तरह का केस है और वो लिटिगेंट के लिए होना चाहिए, उसको आप सफर तो नहीं कराएंगे। अच्छा, एक आपका जो बड़ा पैशनेट एरिया है एडीआर का, उसके बारे में
क्या ये वर्चुअल कोर्ट जो है एडीआर में जबरदस्त रोल नहीं अदा कर सकते? कोई शक नहीं है जी, ऑनलाइन मीडिएशन और ऑनलाइन आर्बिट्रेशन हो रही है, मैं खुद करता हूँ बहुत जगह पे, वहाँ पे तो ये बड़ा यूज हो रहा है। तो ये जो अपने एडीआर का अभी नया कॉन्सेप्ट है उसको एप्लीकेबल कर देंगे, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक्रेडिटेड मीडिएटर्स हैं, वो अपने सेंटर्स के अंदर बैठ के लोगों की कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और फैसला कर सकते हैं, और वो बहुत सहूलत वाली बात है, लोगों को फिजिकली नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ये तयशुदा बात है कि कोरोना वायरस की आफत आने के बाद आपको कोर्ट के अंदर अब हर एक को अलाउ नहीं करना पड़ेगा, हम अफोर्ड ही नहीं करते, हमें डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। और इन द प्रोसेस अगर आप सिस्टम को फास्ट कर दें और ये डिलीवर करना शुरू कर दें, तो अल्लाह की खुशनुदी भी शामिल हाल करेंगे। अल्लाह हमसे नाराज हुआ है, इसलिए नाराज हुआ, हम अपनी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, हम तो, हमारा तो ताल्लुक है अपनी वकालत के शोबे से और जुडिशियल सिस्टम पे, इसे इंप्रूव करें, लोगों को इंसाफ मिलेगा, उनके दिल से दुआ निकलेगी, अल्लाह भी राजी होगा और खलके खुदा की भी खिदमत है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी ज़बरदस्त बात जफर भाई ने की कि ये खलके खुदा जो है उनकी बहुत बड़ी खिदमत है और अल्लाह ताला की ज़ात भी राजी होगी। हमें नेक निश्ती से इस जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की हम बात करते हैं कि क्वारंटीन के चक्कर में हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ गया है, बट लेट्स डू इट फोर्सफुली, बिकॉज इससे भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट राइट, इट्स अ टाइम टू डू इट राइट, एंड इफ डन राइट इंशाल्लाह इट इज गोइंग टू डिलीवर। थैंक यू।